वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो तो सही, ओ माय गॉड। और इतने ग्रेट लोग भी गुजरात से आए हुए हैं, प्राउड फील होना चाहिए गुजरात को कि देखो, एक तो हम अभी भी इतने ग्रेट हैं और हमारी हिस्ट्री में भी इतने ग्रेट लोग आए हैं। और मैं तो जगहें देख देख के हो रही थी, अच्छा ये अगर इसका मतलब, मेरे दिमाग में तो ये चलता, अच्छा अगर गुजरात गए तो ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देख सकते हैं। नहीं देखिए, कोई भी जो बंदा है पहले अपने स्टेट में अच्छा करता है, दिखाता है कि मैं अपने स्टेट में कर सकता हूँ, फिर उसे मौका मिलता है पूरी कंट्री में करने का। वही मोदी जी कर रहे हैं, सिमिलरली मोदी जी योगी जी को भी कह रहे हैं, वही कर रहे हैं कि पहले यूपी में अच्छा करो, दिखाओ तुमने यूपी में क्या किया है, फिर पूरे देश में करो। वो तो है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और बात सही है कि अगर लीडर अच्छा हो तो स्टेट ऊपर जाता है, देख लो कितना कमाल किया है। और अगर लीडर अच्छा ना हो तो जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है और यहाँ के लोग भी इस शहर को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है, आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारिका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक साइट्स से भरी है। गुजरात सिंधु सभ्यता और लोथल, धोलावीरा और धोराओं जैसे कई इंपॉर्टेंट शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का पहला बंदरगाह है लोथल में स्थापित किया गया, और मिडिल एज के दौरान सूरत का बंदरगाह है भारत का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था। यूरोप के ज्यादातर बिजनेस इस बंदरगाह के जरिए ही किए गए थे। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 देख सकते हैं, ये जगह ये हैं, जाकर देख सकते हैं। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा आदि प्रमुख हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी के तमाम चाहने वाले न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी है। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार है। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर, पन बिजली और अन्य सभी क्षमता के मामलों में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, गुजराती लोगों की रोजी रोटी की जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक सारे गुजरात से है। कहा जाता है कि गुजराती लोगों के खून में बिजनेस है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। मोदी जी ने कुछ कह बताया था नहीं, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई एक सर्वे के मुताबिक गुजरात की लिटरेसी रेट 78.03% है, जो कि इंडिया के कई राज्यों से बहुत अच्छी है। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। आप जब भी गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही सारे बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात की रेलवे स्टेशन भी काफी साफ सुथरा और खूबसूरत और हाई क्लास है। इतना ही नहीं, गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ क्राइम तो ना के बराबर है। जी हाँ, यहाँ आपको रात में भी लड़कियाँ आसानी से रोड पर भी दिख जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहाँ पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के कुल सोडा ऐश प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है, और भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है। और तो और, गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। क्या आप जानते हैं गुजरात पूरी भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? ये वो राहुल गांधी का नहीं, गुजरात की महिलाओं ने क्या दिया है? सबसे ज्यादा चीनी याद आए। इसका मुख्य कारण है गुजराती मिठाई पकवान। जी हाँ, यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का लगभग हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में खाने का बड़ा क्रेज है। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। गुजरात का ओंधियू
थेपला और ढोकला पूरी हिंदुस्तान ढोकला ऑब्वियसली लाजवाब खाने हैं जिसे बाकी तो कभी टेस्ट ही नहीं तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है, लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। गरबा और डांडिया गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल फोक डांस है। गुजरात का मुख्य अच्छा करते हैं मकर संक्रांति पतंग उत्सव नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक आप खुलकर नाचते नहीं हैं तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दिल के भी बड़े साफ होते हैं और दोस्तों के दोस्त तो दुश्मनों के दुश्मन। तो चलिए अब हम आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहाँ आप गुजरात के सफर पर नंबर वन इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों हाल फिलहाल में ही बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वो तो सही, ओ माय गॉड, और इतने ग्रेट लोग भी गुजरात से आए हुए हैं। प्राउड फील होना चाहिए गुजरात को कि देखो एक तो हम अभी भी इतने ग्रेट हैं और हमारी हिस्ट्री में भी इतने ग्रेट लोग आए हैं। और मैं तो जगह देख देख के हो रही थी, अच्छा ये अगर इसका मतलब मेरे दिमाग में तो ये चलता, अच्छा अगर गुजरात गए तो ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देख सकते हैं। नहीं देखिए, कोई भी जो बंदा है पहले अपने स्टेट में अच्छा करता है, दिखाता है कि मैं अपने स्टेट में कर सकता हूँ, फिर उसे मौका मिलता है पूरी कंट्री में करने का। वही मोदी जी कर रहे हैं, सिमिलरली मोदी जी योगी जी को भी कह रहे हैं वही कर रहे हैं कि पहले यूपी में अच्छा करो, दिखाओ तुमने यूपी में क्या किया है, फिर पूरे देश में करो। वो तो है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और बात सही है कि अगर लीडर अच्छा हो तो स्टेट ऊपर जाता है, देख लो कितना no कमाल किया है। और अगर लीडर अच्छा ना हो तो आपकी सिटी जो भी है वो ऊपर ऊपर होने की जगह नीचे जाती जाएगी, डूब डूब डूबती जाएगी। अब ये अच्छी बात थी कि कोई अल्कोहल अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है। और दिल्ली देखिए ऑपोजिट। नहीं मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी अल्कोहल अलाउड नहीं है, बिहार में भी नहीं है, करप्शन पर वहाँ पे देखो क्या हालत हो रही है, करप्शन है वो ठीक तरह फॉलो ही नहीं किया हुआ, और यहाँ पर देखो कि कैसे तरक्की हो रही है। उनको पता था कि अनहेल्दी चीज़ है। Exactly. और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह की है, सच्चे दिल से किया कि मेक शो करने के लिए, ये नहीं किया कि हटा दी और उसके बाद यही नहीं देखा कि जो गलत काम उसके बाद चोरी चकारी हो रही है उनको भी पकड़ के उसको बंद कराएं, वो चल रहा है वहाँ पे बिहार में। तो चलो यार अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।